हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप देख रहे होंगे कि दो वीडियो से यही बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इसलिए है क्योंकि कोरोना वाले डेज चल रहे हैं, तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो यही है, अंदर पड़े हुए जो कर सकते हो वो कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली इंजीनियरिंग वाली वीडियो में बोला था कि मैं बनाऊंगा वीडियो की बैटरी की मेंटेनेंस और जो वाटर वाली बैटरी आती है उसके क्या क्या इश्यूज आते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दूंगा। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और एक अच्छा इंसान हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करना। अगर नहीं अच्छी लगी तो अब चले जाना, डिसलाइक मत करना। तो इसी के साथ हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आपको बताऊँगा बेसिकली कि जो पानी वाली बैटरी होती है उसकी मेंटेनेंस और उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ बैटरी वाली, अगर जब पानी ड्रेन होता है, जो लेड वाला वाटर होता है, अगर ड्रेन होता है उससे प्रॉब्लम क्या आती है। तो ये मेरे भैया की बाइक है, तो इनकी बाइक में क्या प्रॉब्लम आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आस्ता आस्ता यहाँ से जो लेड वाला पानी निकलता है वो इकट्ठा होकर थोड़ा थोड़ा गिरता था, तो इसकी वजह से देखो ये रस्ट खाना स्टार्ट कर चुका है। अगर आप पास से भी देखोगे तो ये रस्ट खाना स्टार्ट कर चुका है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रस्ट आ रहा है। और मेन जो सबसे बड़ी इनके साथ ट्रेजेडी होगी, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो ये वेल्ड किया हुआ पार्ट, ये पूरा पार्ट वेल्ड करना पड़ा। तो आस्ता आस्ता बैटरी का पानी ड्रॉप हो के ये जो उसकी चेसिस है रस्ट होना स्टार्ट हुई आस्ता आस्ता। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला साइड स्टैंड लगा के थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होगा, पड़ रहा था, पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसके ऊपर पानी आस्ता आस्ता वो पड़ पड़ के यहाँ से सीधे ड्रॉपलेट्स आके यहाँ इकट्ठे होते थे, जिस वजह से इनकी चेसी इनको वेल्ड करानी पड़ी। तो ये बहुत बड़ा इशू है अगर आप ध्यान से देखो। तो इसके बाद मैं अब आपको अपनी बाइक में बताता हूँ कि मैंने ये इशू कैसे सॉल्व किया था और कैसे कैसे मेंटेन करनी है अपनी बैटरी। ज़्यादा दूर नहीं थी, वो आगे खड़ी है, ये मेरी बाइक के पीछे खड़ी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये मेरा ट्रॉन। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कि ये मेरी बाइक है तो इसका कवर रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, मैंने डाला ही नहीं था। तो एक प्रो टिप आपको दे देता हूँ कि अगर आपको याद नहीं रहता कि आपने कब कब क्या क्या किया था, तो आप सिंपली यहाँ पे एक स्लिप लगा के उस पर लिख सकते हैं कि आपने इंजन ऑयल लास्ट सर्विस मैंने 20,660 पे की थी, और अभी बैटरी को नहीं हाथ लगाया, उससे पहले वीडियो बना रहा हूँ। और एयर फिल्टर को सिंपली मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं आपको वो पूरा बता देता हूँ। तो अगर आप मेरा ये बैटरी कवर चेक करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ओरिजिनल कलर इसका रेड तो नहीं होता है। मैंने रेड क्यों किया है, क्योंकि जो लेड वाला वाटर है अगर वो गलती से इसको लग भी जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए आस्ता आस्ता करोजन होना स्टार्ट होती है। तो मैंने ये पेंट करके रोकने की कोशिश की थी, तो थोड़ा इफ़ेक्टिव है, पर थोड़ा सा बीच बीच में फिर हो जाता है, पर मेनली ये हट जाती। ये वापिस होने का एक ही रीज़न था कि जो मेरी ड्रेनेज पाइप है, जो वैसे तो मेनली ये कंपनी की प्रॉब्लम है, कंपनी को देखना चाहिए कि उनकी बाइक में अगर ये प्रॉब्लम आती है उनको पहले ही चेक कर देना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपने देखा ही कि चेसी, अगर बाइक की चेसी टूट जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए और वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो अगर आपको बाई चांस दिख रहा हो, ये रही मेरी बैटरी से जहाँ से ये ड्रेनेज होल, जहाँ से ये वाटर निकलता है, तो मेरे हिसाब से आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको खोल के बताता हूँ, ये वाला बैटरी का नट खोल के बताता हूँ, तो आप लोगों को इजीली समझ आए। उसके लिए हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो वायर है ये मेरी है रिले वाली हॉर्न की वायर, शायद तो ये आ गया बैटरी का नट बाहर। तो हाँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है जहाँ से वाटर निकलता है, जो लेड वाला वाटर होता है बैटरी का, जब चार्ज होती है तो यहाँ से निकलता है, तो इसकी वजह से मेन डैमेज होना स्टार्ट होता है। अगर आपको ये नीचे दिख रहा हो, ये भी इसी की वजह से क्रोजन होना स्टार्ट हुई है। तो ये आपकी बाइक में ना हो, तो इसके लिए मेरे हिसाब से कंपनी को ये पहले से फिटेड देना चाहिए, अगर उनको पता है उनकी बैटरी की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी किसी की चेसी अगर इतनी ख़राब हो सकती है तो उनको देखना चाहिए। तो सिंपली बैटरी के लिए जो
वाटर ड्रेनेज पाइप आती है, ये है सिंपली 10 रुपीज़ की ये पाइप होगी, तो उसकी वजह से आपको पता ही है ये, इसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस और कितना खर्चा बच जाएगा। तो सिंपली आपने ये जो ड्रेनेज पाइप है ये इस पे लगा के आपने इस तरह से लगानी है कि ये खुले ना, तो मेरे में जो मैंने आपको दिखाया बैटरी कवर जो उसमें इशू आया वो सिर्फ इसलिए आया कि ये अपने आप मुझे लगता है काफ़ी साल 2 साल हो गया उसके बाद खुद खुल गई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। ये वाला स्क्रू भी खोलने के बाद, डरना मत अब मैं इंजेक्शन लेके आऊँगा, आप लोगों को नहीं लगाऊंगा। तो ये सिंपली निकल गई, ये नट संभाल के रख देते हैं, ये रहे दोनों नट। तो उसको बाहर निकालने के लिए सिंपल से जहाँ से पुश करके ये आ गई हमारी बैटरी सिंपली बाहर। तो इसके पीछे भी थोड़ा क्लीन वगैरह कर लें, वैसे इतना कोई इशू नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने कभी देखा नहीं इसको ध्यान से, तो इसके पीछे वो कवर लगा हुआ है इसकी वारंटी वाला, और थोड़ा सा इसको भी क्लीन करने के बाद आप लोगों को। तो बैटरी में पानी डालने के लिए सिंपली ये रहा इंजेक्शन, अगर आपको दिख रहा हो ये इंजेक्शन, आप लोगों को नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा बैटरी वाला जो लेड वाला पानी होता है वो डाल के थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालेंगे हम लोग। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसी बैटरी के पानी की वजह से ही बैटरी ख़राब होती है, तो मैं दूसरा नॉर्मल वाटर डाल देता हूँ। तो बैटरी वाला पानी डालने के बाद इसमें सिंपल वाटर मिक्स करने के बाद जो इसके ये वाले प्लग्स हैं इनको खोलेंगे हम लोग। तो अब हम सिंपली ये सारे रिमूव करेंगे, तो आप मार्बल वगैरह पे मत रखना, तो इसके निशान पड़ते हैं, तो थोड़ा नीचे रख लेता हूँ मैं सीमेंट पे सेकंड। अब हम सिंपली ये सिरिंज फिल करेंगे, अब आप देखना कितना पानी कम होगा। ये है 10 मिलीलीटर की सिरिंज है, तो उसमें कम से कम 7-8 मिलीलीटर की कमी थी एक पोर्ट में खाली। बैटरी में पानी काफ़ी कम है, अच्छा किया मैंने वीडियो बनाई इस चक्कर में मैंने वीडियो। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने ऐसे तो मैंने बैटरी रिमूव कभी करता नहीं हूँ, तो मैंने अभी बैटरी रिमूव की है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरह से। तो इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, अगर आपको पता हो WD-40, और WD-40 से आसानी से ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, वो रस्ट वगैरह को दूर रखता है। तो मैं WD-40 का यूज़ करने वाला हूँ, आपको साथ साथ में दिखा भी देता हूँ, और अगर आपके पास नहीं भी है तो रख लीजिए क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है WD-40। तो ये रही WD-40, अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्लीन करते करते मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो मुझे बता रहा था कि उसका भी एक चैनल है गेमिंग चैनल, तो वो मुझे बता रहा था कि लोग हैं पर हमारे इंडिया के काफ़ी अच्छे लोग हैं कि जब भी वीडियो देखते हैं तो अगर उनको अच्छी लगती है तो वो लाइक करके ज़रूर जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी ऑडियंस नहीं है, मतलब जो वीडियो देखती है अच्छी भी लगती है पर आलस के चक्कर में वापस चले जाते हैं। मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं है, और मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, मेरी ऑडियंस पूरा साथ देती है, पूरी वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि कमेंट की ज़रूरत है, वो कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो आई होप कि आपको मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, तो जो जो प्रॉब्लम थी मैंने वो सारी कर दी आज इस वीडियो में कवर। सो थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हम एयर फिल्टर के बारे में थोड़ी वीडियो बनाएंगे। सो बाय बाय। We'll be right back.